बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल हसन। आज हमारे साथ हसन सुभानी साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आज की वीडियो का मैं मकसद बताता चलूँ कि लोगों के अंदर बहुत सारे अभाम पाए जाते हैं कैटल इंपोर्ट के बारे में। तो हम ये क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से कैटल इंपोर्ट से इनका ताल्लुक है, तो पहले तो हम इनका छोटा सा इनका तारुफ ये मैं चाहता हूँ खुद ही करवा दें। तो जी हसन सुभानी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी मेरा नाम हसन सुभानी है। जी मैं डेयरी इंडस्ट्री से 2005 से हूँ। इससे पहले मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, एक डेयरी हम लोगों ने रन की हुई है अराउंड 1500 कैटल्स स्वीट वाटर के नाम से। देन आई ज्वाइन प्रो फॉर्म एज ए नेशनल सेल्स हेड, सो आई सर्व देयर अराउंड 8-9 साल वहाँ किया। एंड फ्रॉम 2018 टिल नाउ आई एम इन्वॉल्व विद माई ओन कंपनी इनोवेटिव बिजनेस सोल्यूशन पे। हमारा प्राइमेरली जो ऑब्जेक्टिव है अपनी करियर का एट द मोमेंट, मैं एनिमल इंपोर्ट को प्रमोट कर रहा हूँ। और मैंने शुरू में ऑस्ट्रेलिया बेचा काफ़ी, देन उसके अंदर दरमियान में हमने डच में भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और प्रमोट किया। एंड नाउ लास्ट 2 ईयर्स मैं अमेरिकन जेनेटिक के ऊपर बड़ा थारोली वर्क कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह बड़ी कोशिश के बावजूद लास्ट ईयर एक शिपमेंट आई है और इंशाल्लाह इस साल भी हम लोग 2 शिपमेंट्स लेके आएंगे। थैंक यू। जी सर, आप कुछ 4-5 छोटे छोटे सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा जो फार्मर्स बेसिकली आप समझे कि मैं फार्मर की आवाज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन ये लो, ये बात करते हैं कि जब आप कंपेयर करते हैं, एक बंदा है जो डेयरी में बिजनेस करना चाहता है, क्रॉस ब्रेड एनिमल्स जो हमारे लोकल अवेलेबल है यहाँ पर, जैसे फ्रीजन वर्सेज चौलिस्तान है या फ्रीजन का क्रॉस साहिवाल के साथ है, डेयरी फार्मिंग में आप क्या प्रेफर करते हैं ये हमारे लोकल क्रॉसेस को वर्सेज इम्पोर्टेड एनिमल्स? थैंक यू डॉक्टर साहब। मैंने जी देखें, आपका सवाल बड़ा वैलिड है और दैट मेक लॉट ऑफ सेंस इन टर्म्स के जी अगर आप बात करें कि आपको अच्छी चीज़ मिल जाए। मैंने 2005 से लेके 2010 तक को तकरीबन पाकिस्तान से जो आप लोकल क्रॉसेस के नाम ले रहे हैं, फ्रीजियन प्लस चोलिस्तानी, फ्रीजियन प्लस आपका साहिवाल एंड फ्रीजियन प्लस इवन रेड सिंधी का क्रॉस के साथ हम लोगों ने काफ़ी बाय किया। अच्छा, प्रॉब्लम डॉक्टर साहब ये आती है कि जी जब आप इस तरह के क्रॉसेस देने जाते हैं तो सबसे पहले आप जो जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल बहुत कम होता है। एक दूसरे नंबर पे जो आपको जानवर दिया जाता है, दे डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ द एनिमल्स, वो आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी जो फिज़िकल अपेयरेंस के ऊपर कहते हैं जी ये जानवर है फलां, इसकी माँ ये दे रही है, इसके बाप ने ये किया, तो इस तरह के रेफरेंसेस आपको कोट कर देते हैं। जो लास्ट ऑप्शन है वो होता है जी आप इन क्रॉसेस को यूजुअली आप जाते हैं लेने एज ए मिल्किंग एनिमल। जब आप मिल्किंग लेने जाते हैं तो डॉक्टर साहब इसके अंदर जो मसले मसाइल हैं, मैंने आई हैव सीन पीपल जो के रोते हैं कि वहाँ जब ये चुवाई कराने जाते हैं 3-3 दिनों में दे गॉट मिल्क, बट जैसे ही वो फार्म पे आते हैं द मिल्क इज़ गॉन। एंड उसके पीछे रीजंस हैं वो आई डोंट नो क्या है। अच्छा, ये तो आ गया एक लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स, बट द इशू ये है कि जी अगर छोटा फार्मर है एंड इफ ही डोंट वांट टू अफोर्ड, तो देखें ये दो जो लॉजिस्टिक पार्ट है ना वो बड़ा एक ना लीथल सा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। उसकी रीज़न ये है कि देखें जब जानवर लेने आप जाते हैं मार्केट में तो इस तरह के आपको प्रॉब्लम आते हैं। अच्छा, उसके अगेंस्ट जब आप लोकल की बजाय इंपोर्ट के ऑप्शन में जाते हैं, वहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है ना, जो मैक्सिमम थ्रेट है वो आपके पास है जो सप्लायर, कि मैक्सिमम सप्लायर आपके साथ प्ले कर सकता है विद क्वालिटी, बट एट द एंड ऑफ द डे जो भी कोई एनिमल आता है क्रॉस वो काफ़ी बेहतर आता है। उसकी रीज़न है कि आपकी यहाँ पर जो मैक्सिमम लैक्टेशन क्रॉस ब्रेड से आप ले सकते हैं वो ले सकते हैं समवेयर 3000, पर बाहर से जो आएगा वो उसकी मिनिमम जो है वो 5000 से 6000 के दरमियान है। तो अगर आप दोनों का कंपेयर करें तो आई एम श्योर कि लोकल की निस्बत जो क्रॉस ब्रेड है इवन इम्पोर्टेड है वो ज़्यादा बेहतर। प्रिया, सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये होगा कि अब आपने पहली बात तो क्लियर कर दी कि क्रॉस ब्रेड के मुकाबले में इम्पोर्टेड स्टाफ पे जाना बेहतर है। अब सर इम्पोर्टेड स्टाफ में अब अगला जो मेरा पॉइंट है वो है, हमारे पास यहाँ पर पाकिस्तान में एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन हमारे पास डच ब्रीड भी है, हमारे पास ऑस्ट्रेलियन जेनेटिक्स भी है, हमारे पास अमेरिकन जेनेटिक्स भी है, तो आप इन एनिमल्स को किस तरह से ग्रेड करते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप ये भी बड़ा वैलिड पॉइंट है जी। आप हमारे पास जो ऑप्शन है इस वक्त, इनफैक्ट इससे पहले हमारे पास 4 ऑप्शन थे। सबसे पहला ऑप्शन पहले शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया था एंड देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड कि जी आप दूसरे ममालिक से इसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते थे। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन आया वो आया स्वीडिश का, लोगों ने स्वीडिश लेके आए, उसका भी एक्सपीरियंस मल्टीपल किस्म के जो व्यूज़ थे उसके बारे में आए।
उसके बाद डच इंट्रोड्यूस हुआ एंड देन नाउ अडेज अमेरिकन। देखें अगर तो डॉक्टर साहब अगर आप बात अडॉप्टेबिलिटी करें की करें तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो मेरी नज़र में फार्मर को इशू आता है वो है जानवर की अडॉप्टेबिलिटी। प्रॉब्लम ये है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया से जानवर लेके आते हैं तो उसमें लाइक जानवर इट्सल्फ तो देखें वो भी एक इम्पोर्टेड कैटल है, अच्छा है, लोगों की हिस्ट्री है उसके पीछे, पर उसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू होता है स्टार्ट में कि जानवर जो है ना वो आता है फीड लॉट से, वहाँ पे ना तो कभी उन्होंने बंदे देखे होते हैं, और उसके बाद जो दूसरा अब ड्रादर से जुल्म है कि आप उसको कंक्रीट के ऊपर ले आते हैं, वो एक और वो स्ट्रेस उसके ऊपर बन जाता है। तीसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर यूजली तीसरा ऑप्शन डॉक्टर साहब ये होता है कि जी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि इवन के लेबर सस्ती होने का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि लोगों ने एक पूरी फौज की रखी होती है एनिमल्स की, सॉरी इनफैक्ट एनिमल बंदे रखे होते हैं जी। अच्छा बंदे क्या करते हैं जी, वो जानवर बाहर से सिस्टम से इस तरह आता है कि फील्ड लॉट में उन्होंने कोई एक आध बंदा देखा होता है, इधर बंदों के हजूम देख के देखने वालों को देख के वो कम अज़ कम एक से दो महीने उसको लगते हैं अडॉप्टेबल होने में। वेयर एज़ जो दूसरे रीजन्स के हैं स्पेशली हम जब अमेरिकन की बात करें तो वो बिल्कुल सेम जो वे ऑफ यू नो ट्रीटमेंट है वहीं से आते हैं, लाइक कंक्रीट में वो होते हैं पैदा होते हैं वहीं से ग्रूम होते हैं वहीं से आके आपके सिस्टम में आ जाते हैं। दूसरा उन्होंने बंदे मशीनरी काफ़ी देखी होती हैं जिसकी वजह से उनको अडॉप्टेबिलिटी जो है ना उनकी काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। दूसरा जो जो इशू है वो है कॉस्ट का। अच्छा अगर आप कॉस्ट की बात करें तो देखें डच इस वक्त जो मुमकिन है वो है बाई एयर, और अगर आप इसको बाय एयर को विद सी करें तो देर इज़ आलमोस्ट $800-$2,000 डिफरेंस। अगेन जब आप छोटे फार्मर की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स छोटा फार्मर इसको डिफरेंटली लेता है कि यार रादर देन के मैंने ये लेना है वाई नॉट के मैं इम्पोर्टेड ही लेना है तो कोई दूसरा ऑप्शन देख लूँ। इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है ऑस्ट्रेलिया और US ये दो वाहिद सेक्टर हैं जिसको बाय सी आ रहे हैं। अब पिछले कुछ अरसों से ऑस्ट्रेलिया के अंदर इशू आ रहा है, ड्राफ्ट्स हैं, कुछ फायर्स के इंसिडेंट हुए तो उस वजह से जानवरों की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं, और अब US में ये है कि जी US डेयरी के अंदर इस वक्त जो है ना ज़्यादा फार्म जो हैं क्लोज हो रहे हैं ड्यू टू कंसोलिडेशन और ड्यू टू प्राइसेस, तो उस वजह से वहाँ पे जानवरों की कीमत बहुत कम है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों से लाइक बेहतर ये है कि US इज़ अ गुड ऑप्शन एट द मोमेंट। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर अगला क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा, जहाँ तक ये आप समझिए मेरा सवाल है जो मैं फार्मर के एंड से करना चाहता हूँ। देखिए बात ये है कि अगर हम ऑस्ट्रेलियन एनिमल की बात करें तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पर जो मिल्क है वो मेजॉरिटी जो है हमारे यहाँ पर जो हमारी कमर्शियल कंपनीज है वो बाई कर रही होती है, नेस्ले एंग्रो FFC वगैरह। तो जो टोटल सॉलिड्स हैं अगर मैं उनकी बात करूँ तो टोटल सॉलिड्स जो हैं ये वेरी करते हैं 12.5 के राउंड अबाउट ऑस्ट्रेलियन के, कोई 12 के राउंड अबाउट अमेरिकन के, और जब हम डच की बात करते हैं तो वो 13 को जो है उनके TS क्रॉस कर जाते हैं। आपके ख्याल में जब हम बात करते हैं मिल्क प्रोडक्शन कॉस्ट की, जब हम बात करते हैं टोटल सॉलिड्स की, तो अब आप डच को अमेरिकन के मुकाबले में कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। प्रॉब्लम है कि जी जो जब आप एक एनिमल आता है ना वो विद अगर प्रोडक्शन के ऊपर उसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो देन यू हैव टू सेक्रीफाइस सम एलिमेंट एज वेल। प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन के थ्रू ही जो सॉलिड है वो एडजस्ट हो रहे होते हैं। मगर अमेरिकन कैटल का ये है कि जो यूजली वो 12,000 लैक्टेशन वाले हर्ड से आ रहे होते हैं और उनकी जो प्रोडक्शन है अगर उसको इन टर्म्स ऑफ लीटरेज में आप डेली करें तो 40+ लीटर हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द यू नो डच कैटल की जो ऑन एन एवरेज जो प्रोडक्शन है मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक इट्स अराउंड 9,000 लीटर, दिस इज़ वॉट आई यू नो गॉट। सो अगर 9,000 को करें तो यू आर लैंडेड समवेयर 27-28 लीटर। अगर वो 28 लीटर आप उसे ले रहे हैं और अगर सॉलिड से आप उसको कंपनसेट करने के बाद इफ़ यू आर गेटिंग अराउंड अबाउट 29 or 29.5, और वेयर एज आप अगर वहाँ से 40 ले रहे हैं और वो कंपनसेट होकर 37 पे आए तो इन टर्म्स ऑफ यू नो प्राइस वो फिर भी बेहतर है। अच्छा दूसरा इसका अल्टरनेट ये हो सकता है डॉक्टर साहब कि देखें अमेरिका में यूजली हम लोगों ने सुना है कि जी फ्रीजन इज़ द ऑप्शन, बट मेरे ख्याल में देर इज़ अनदर ऑप्शन विच इज़ वेरी गुड फॉर इवन स्मॉल फार्मर, वो है जर्सी कैटल। जर्सी कैटल इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। अगर इफ़ यू टॉक अबाउट देयर फैट कंटेंट्स दे आर हैविंग मोर देन 4.8 अप टू 5.2 फैट।
नंबर वन। नंबर टू, इफ़ यू टॉक अबाउट देयर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो उनकी है जी, वो तकरीबन वो क्लेम करते हैं समवेयर कोई 9000 से लेके 10000 लीटर के पास। तो अगर आप इनको ट्रांसलेट करें अपनी वो दूसरे लाइक टर्म्स ऑफ फाइनेंस के तौर पे, तो ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। तो आई थिंक इफ यू, अगर आप फैट के ऊपर बेस करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जर्सी इज़ अ गुड ऑप्शन, वो आप जर्सी ले लें यूएस की, तो वो ज़्यादा बेहतर है, प्राइस मॉडल सेम होती है इनकी। सर अच्छा किया आपने सवाल में से सवाल निकाल दिया। अमूमी तौर पर जर्सी कैटल में कई सारे लोगों का ये सवाल है कि जो पहले एक्सपीरियंसेस थे पिछले सालों के, जर्सी कैटल का एक बहुत बड़ा इशू है कि वो अडर पेंडुलस कर जाती है और प्रोडक्शन जो है वो एज़ कम्पेयर टू होल्स्टीन फ्रीजन उसकी कम है। तो ये जो आप जिस जर्सी की बात कर रहे हैं, आई थिंक सो यू आर टॉकिंग अबाउट अमेरिकन जर्सी, तो इस जर्सी को आप ऑस्ट्रेलियन जर्सी से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं डॉक्टर साहब? जैसे मैंने, अच्छा डॉक्टर साहब अभी इससे पहले वाला जो सवाल हुई उसमें भी मैंने एड्रेस किया है। ये बेसिकली जो दो तरह की जर्सी है, जर्सी जो ऑस्ट्रेलिया की है, अगर जो मैं प्रीवियस अपने जितने भी रिकॉर्ड है उनको देखूँ तो ऑन एन एवरेज वो 6000 लीटर तक हो जाती है, ठीक है, विद द सॉलिड ऑफ लेट से 4.5 से लेके 4.8 तक कहीं जाके वो लैंड करती है, ड्यू आई मीन कीपिंग इन व्यू देयर लैक्टेशन पीरियड। बट इशू डॉक्टर साहब सबसे बड़ा ये है कि जो उसका हेल्थ इशू है उसमें ऑस्ट्रेलियन कैटल के अंदर ये पंडोलम ये जो ऑर्डर है इसका आता है इशू, बट अमेरिकन कैटल के अंदर उनका जो स्ट्रेचर है वो उससे आई मीन काफ़ी बेहतर है, उसकी फीट एंड लेग, उसका इवन स्ट्रेचर, उसकी हाइट वो बहुत ज़्यादा है। वो लाइक जो उसका वेट है यूएस कैटल का, वो तकरीबन सम इन सम केसेस प्रेग्नेंट का जो है वो मोर देन 450 है, वेयर एज जो इवन प्रेग्नेंट हीफर ऑफ जर्सी है उसका वेट यूजली होता है 325, इतने में हम लोग बेचते हम लाइक ऑफर करते हैं। तो ये तो ये है। दूसरा ये जहाँ तक रह गया इवन इसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर, जर्सी 2012 से लेके ऑनवर्ड उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट की है। अगर आई विश आई आई शेयर विद यू सम पिक्चर एंड सम रिसर्च ऑन दैट कि जी उनकी जो जर्सी है वो फ्रीजियन से बेहतर है, बेहतर इन टर्म्स अगर फाइनेंशियल बात करें, और उनका स्ट्रेचर के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, देर इज नो इवन स्टेटस कंट्रोल के लिहाज से वो बहुत बेहतर है। तो आई थिंक रादर देन कि मैं इसमें कोई क्लेम करूँ, आई वुड सेट मैं आपको एक इसकी रिसर्च भी दे सकता हूँ, उसके कुछ पेपर दे सकता हूँ, आप इसको देखें, और ऑफ कोर्स पीपल कैन इवन गो टू वेबसाइट एंड दे कैन व्यू दैट व्यू द यू नो मोर इन्फॉर्मेशन। जी आपने मेरे से शेयर किया, मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ज़रूर दूंगा। अच्छा सर अब अमेरिकन के हवाले से एक दो मेरे सवाल हैं। कुछ लोग ये मार्केट के अंदर ये क्लेम करते हैं कि कंट्रोल शेड अगर नहीं है आपके पास तो अमेरिकन ब्रीड के साथ आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो मेरे इस पॉइंट पे मेरे दो सवाल हैं आपसे। नंबर वन, क्या अमेरिकन के लिए आपके लिए कंट्रोल शेड ज़रूरी है? नंबर वन। नंबर टू, अगर आपके पास फाइनेंसिस हैं, आप कंट्रोल शेड या ओपन शेड में किसी की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो आपकी रिकमेंडेशन क्या है? देखिए डॉक्टर साहब ये बड़ा वैलिड पॉइंट है और तकरीबन हर दूसरा बंदे का यही सवाल होता है, और इवन के मार्केट के अंदर डिफरेंट किस्म की इसकी प्रमोशंस भी चल रही हैं। देखिए जहाँ तक रह गया कंट्रोल वर्सेस यू नो ओपन शेड, मेरा नहीं ख्याल कि इट्स यू नो कंपलसरी है कि आपको ये चाहिए। आपको क्या चाहिए जानवर की हाउसिंग के लिए? एक हवादार शेड चाहिए विद प्रॉपर वेंटिलेशन, जो फैंस चाहिए, स्प्रिंकलर्स चाहिए, दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली नीड। और इवन के अगर आप बात करते हैं अमेरिकन के लिए, यही अगर फार्मूला आप इवन के ऑस्ट्रेलियन के ऊपर भी रखें, तो इस बोथ वे लाइक कोई भी जानवर उसको आप जितना कंफर्टेबल लेके चलेंगे वो ऑफकोर्स परफॉर्म करेगा। बट मेरा जो इस वक्त जो पॉइंट है ना वो ये है कि जी समझने की ज़रूरत ये है आपको कि क्या हमारे पास एक्सपर्टीज़ है कंट्रोल शेड को बनाने की, क्या हमारे पास एक्सपर्टीज़ है कि कंट्रोल शेड को चलाने की, क्या हमारे पास कैपेसिटी है टू रन टू अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ द कंट्रोल शेड। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो लोगों को ख़ुद ही एड्रेस करना है, अपने हालातों वाक़ात को देखना है। और तीसरा ये कि जो मेरी यू नो अंडरस्टैंडिंग है, लोग जो शेड बनाते हैं कंट्रोल शेड वो ड्यू टू ह्यूमिडिटी की वजह से परेशान होकर बनाते हैं, और मेरे पास कोई ऐसा विटनेस अभी तक मैंने कोई ऐसा फार्म नहीं देखा जो कि ह्यूमिडिटी के दिनों के अंदर ह्यूमिडिटी इवन कंट्रोल शेड में फेस ना कर रहा हो। एंड यू नो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके पास इन सवालात के जवाब हैं, इन सॉल्यूशंस हैं, तो फिर आई वुड से कि जी आप कंट्रोल में जाएं। इफ़ यू डोंट तो ओपन इज़ ऑलवेज अ ट्रस्टेड ऑप्शन, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं,
आपके पास प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स हैं, आप युवास में चले जाएं, दिस इज़ ओपन शेड, दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड, देन यू कैन गो आई मीन मिन्हा पे एक मर्सल फार्मों पे या तहूर पे बेदिया में एक फार्म लगा है वहाँ पे आई मीन परफॉर्म कर रहे हैं ओपन शेड के अंदर। तो आई थिंक अगर मुझसे आप पूछें तो ओपन शेड इज़ द बेस्ट ऑप्शन एट द मोमेंट। सर मेरा अब आखिरी जो क्वेश्चन आपसे वो ये है कि एक फार्मर अब वो स्टार्ट करना चाहता है बिज़नेस को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितने मिनिमम हेड से आप समझते हैं कि उसको स्टार्ट करना चाहिए, और सेकेंडली इज़ इट अ प्रॉफिटेबल बिज़नेस। मतलब आप तो डेयरी में मेरे से भी कुछ 4-5 साल पुराने हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि नंबर वन कि कितने नंबर ऑफ हेड से स्टार्ट किया जाए, सेकेंड थिंग इज़ कि आपके ख्याल में इज़ इट अ प्रॉफिटेबल बिज़नेस फॉर समबडी टू कम एंड इन्वेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इशू ये है कि जहाँ तक सवाल है इसके नंबर्स का, तो इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपने मॉडल लेना क्या है। देखिए सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये होगा कि क्या आपका कोई भी एक एक्स वाई जी जो इन्वेस्टर है, क्या वो बिज़नेस में आना चाहता है, खुद बेचना चाहता है या प्रोसेसर बेस्ड बिज़नेस करेगा। एक दूसरे नंबर पे जो साइज़ है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हर बंदे की कैपेसिटी है कि उसके पास क्या कैपेसिटी है, क्या उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उसके पास यू नो स्ट्रेंथ है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस। तो ये दो सवालों के जवाब बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा अगर इन जेनेरिकली आप पूछा जाए, अगर एक बंदा जो सेल्फ यू नो प्रोड्यूस करके उसको सेल मार्केट करना चाहे, तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन है कि एटलीस्ट उतने हेड हों जिससे वो अपने यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने आप को और अपने स्टाफ को जस्टिफाई कर सके। मेरी नज़र में एटलीस्ट मिनिमम 25 का मॉडल होना चाहिए टू स्टार्ट विद, और जो 25 का शेड है उसके उसको शेड जो है कम से कम 50-70 एनिमल का बनाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, चीज़ें होती हैं बार बार कंस्ट्रक्शन नहीं होती। तो इफ़ समबडी अफोर्ड 25 एनिमल विद शेड, तो आई थिंक और विद द मॉडल ऑफ सेल्फ यू नो सेल, तो आई थिंक दैट्स अ गुड ऑप्शन। और अगर इफ़ यू वांट टू सेल टू यू नो प्रोसेसर, देन यू हैव टू अगेन कैलकुलेट कि आपने क्या ऑप्टिमम इनका रेट लेना है, क्योंकि प्रोसेसर यूजली वॉल्यूम बेस देता है आपको। अगर तो आप वॉल्यूम के चक्कर में जाएंगे तो इट्स गो लाइक मिनिमम जो नंबर है वो एटलीस्ट यू हैव टू हैव 100 कैटल्स, बिकॉज कमर्शियली 100 से वाइबल नहीं है। क्योंकि जो अगर आप देखें, क्योंकि यूजली जो आप खुद बेचते हैं और प्रोसेसर देता है, इसमें कोई तकरीबन कुछ 15-20 रुपए का फ़र्क होता है, विच इज़ ह्यूज इन टर्म्स ऑफ यू नो वॉल्यूम के हिसाब से बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो मेरे ख्याल में अगर आप खुद मॉडल जाना चाहते हैं तो 25 इज़ अ गुड ऑप्शन टू स्टार्ट विद, और अगर आप कमर्शियली जाना चाहते हैं विद प्रोसेसर के साथ तो आपको कम अज़ कम 100 से स्टार्ट लेना चाहिए। सर बहुत माजरत है, एक जाते जाते एक मेरे जहन में एक सवाल और आ गया, वो ये था कि लोग एनिमल्स परचेज़ करते हैं साथ में उनको पेडिग्रीज भी मिलती हैं। अब कुछ लोग ये क्लेम करते हैं, मतलब अगर आप एक ABC एक ए कंपनी है तो बी कंपनी ये क्लेम करती है कि जी आप जो पेडिग्रीज दे रहे हैं ये फेक होती हैं, कोई भी बंदा इन पेडिग्रीज को कंप्यूटर पे जाके जो है इनको बना सकता है। तो आप ये काइंडली बताइएगा कि इन पेडिग्रीज को जो सर्टिफिकेट्स आप लोग इशू करते हैं इनको टेस्टिफाई करने का तरीका क्या है कि जिसकी बुनियाद पर हम बता सकें कि ये जो जानवर है इसकी जो पेडिग्री है ये वाकई ही इसकी है, और जिस रजिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं ये वाकई एग्जिस्ट करती है और ये फेक नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो बड़ी ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है अबाउट पेडिग्रीज एंड एवरीथिंग, ये थैंक्स टू दी US कैटल सब यू नो जो सेलर हैं उनकी है, क्योंकि ये अवेयरनेस अभी पैदा हुई है पिछले 2 साल से जब हम लोग इसको US कैटल को प्रमोट कर रहे हैं तो ये स्टार्ट हुआ है। अच्छा देखिए, अब ज़रा थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा US के स्ट्रक्चर में। वहाँ पे तकरीबन दो से तीन तरह के रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड है होस्टन एसोसिएशन, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको उसके रिकॉर्ड को मैनिपुलेट करना इज़ क्वाइट यू नो डिफ़िकल्ट। दूसरी उसकी है जी जो एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ के लोग, एक्सपोर्ट एसोसिएशन है वो बनाती है। तीसरा उनका अपना एक रिकॉर्ड होता है जिसे हम कहते हैं DHA, कोई या DHI इज़ अ सिस्टम जहाँ से वो जनरेट होते हैं। तो आप देखें, ये तो रिकॉर्ड हैं जो आपको मिलेंगे। अच्छा मैनिपुलेशन का जो है वो देखें, इट्स अगर किसी की अटेंशन बुरी है तो वो कर सकता है जो लास्ट वाले 2 में, बट यूजली ऑथेंटिक जो है वो होस्टन एसोसिएशन का है। ओके एंड देन इसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ है आजकल जैसे डेवलपमेंट हुई है, यू हैव अ ऑप्शन, आप जानवर का DNA करवा लें, विच इज़ जीनोमिक टेस्ट, मैक्सिमम उसकी कॉस्ट आती है कोई $50 के पास,
इस वक्त कुछ कंपनियाँ हैं जो पाकिस्तान में भी ऑफर कर रही हैं $50 में समवेयर। अगर आप इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑन पेपर्स यू कैन रेंडमली टेस्ट वन, आई मीन इफ़ यू हैव 25 ml 5-10 का टेस्ट करवाएं एंड यू कैन रिमूव दैट यू नो फियर और ये सारी चीज़ें मिटिगेट हो जाती हैं। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मेरे ऑडियंस से जितने भी मेरे फॉर्मर हज़रात हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर उनकी कोई मज़ीद एम्बिगुइटीज़ हों, कोई बात ऐसी जो उनके जहन में हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। और साथ में हसन सुबहानी साहब का जो कॉन्टेक्ट नंबर है ये भी साथ में मैंने नीचे दे दिया हुआ है। अगर कोई फार्मर विलिंग हो इनके साथ बिज़नेस करने में या कोई इन्फॉर्मेशन कैटल इम्पोर्ट के हवाले से लेना चाहता हो तो इनसे जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया, मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।